गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैकेनिकल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी में चैप्टर नंबर 2 फाउंड्री टेक्नोलॉजी के अंदर हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था पैटर्न मटेरियल, जिसके अंदर हमने वुड, वैक्स, मेटल, प्लास्टर और प्लास्टिक के बारे में डिस्कस किया। आज आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट जो हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है पैटर्न अलाउंसेस। अभी से मैं आपको बता देता हूँ, ये जो क्वेश्चन है वो 100% GTU के अंदर पूछा जाता है। अभी से लिख के रख लो, 110% ये क्वेश्चन आएगा और आके ही रहेगा। तो आशा रखता हूँ कि आज ही आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे और एट द एंड ऑफ द डे आप इसको प्रिपेयर भी कर लेंगे। तो क्वेश्चन है हमारा पैटर्न अलाउंसेस। अब ये क्वेश्चन आपको GTU के अंदर 60 मार्क्स के अंदर कुछ इस तरीके से पूछेंगे कि भाई डिस्क्राइब दी वेरियस पैटर्न अलाउंसेस इन डिटेल, कि पैटर्न जब प्रिपेयर होती है तो उसके अंदर हम जो अलाउंसेस प्रोवाइड करते हैं तो वो किस तरीके से होते हैं उसको डिटेल में डिस्क्राइब करो। ओके, तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि अलाउंसेस क्या है, मतलब वॉट इज पैटर्न अलाउंसेस। पैटर्न इज ऑलवेज मेड लार्जर देन द फाइनल कास्टिंग। आप जो फाइनल कास्टिंग का प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं उससे पैटर्न ऑलवेज थोड़ा लार्ज यानी बड़ा ही बनाया जाता है। क्यों बनाया जाता है? क्योंकि ज़्यादातर पैटर्न बनती है वुडन पैटर्न होती है, लकड़ी में से बनती है, ठीक है। और जब मोल्ड कैविटी प्रिपेयर होगी उसके अंदर हम लोग मोल्टन मेटल यानी पिघली हुई धातुओं को एंटर करवाएंगे, तो सबको मालूम है, सब लोग स्टेंथ स्टैंडर्ड में पढ़ के आए हैं, जब जब मेटल गर्म होती है तो उसका एक्सपांसन होता है और जब वो ठंडी होती है तो उसका श्रिंकेज यानी संकोचन होता है। तो संकोचन होने के बाद जब वो सूख जाती है, सॉलिडिफिकेशन हो जाता है, तो संकोचन होने के बाद उसके डायमेंशन हमने जो डिज़ाइन किए थे, हमने जो कैलकुलेट किए थे उससे थोड़े कम आएंगे, ठीक है। तो अगर 0.05 mm श्रिंकेज की वजह से, सिकुड़ने की वजह से डायमेंशन 0.05% कम आ रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, पैटर्न को थोड़ा पहले से ही 0.05% बड़ा बनाएंगे। दैट्स वाई अ पैटर्न इज ऑलवेज मेड लार्जर देन द फाइनल कास्टिंग, क्लियर, बिकॉज इट कैरी सर्टेन अलाउंसेस ड्यू टू मेटलॉजिकल एंड मैकेनिकल रीजंस। मेटलॉजिकल और मैकेनिकल रीजंस यही है कि भाई धातु का अपना खुद का प्रॉपर्टी है, जब वो गर्म होगा तो थोड़ा फैलेगा, ठंडा होगा तो वापस सिकुड़ जाएगा। इससे हमको नुकसान ना हो, हमारे डायमेंशनल स्टेबिलिटी, हमारी सरफेस एक्यूरेसी, डायमेंशनल की एक्यूरेसी ना बिगड़ जाए, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके ऊपर कुछ अलाउंसेस प्रोवाइड करेंगे। और जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सोसाइटी है उन लोगों ने भी क्या किया, इसको सर्व सिक्योर्ड किया है, अडॉप्ट किया है, भाई इतने अलाउंसेस तो रखने ही हैं। क्यों, रीज़न क्या है, ड्यू टू मेटलॉजिकल एंड मैकेनिकल रीज़न। कुछ धातु शास्त्र के रूल्स है, कुछ मैकेनिकल यांत्रिक गुणधर्म है जिसकी वजह से अलाउंसेस रखने ही पड़ेंगे। द फॉलोइंग अलाउंसेस आर प्रोवाइड ऑन द पैटर्न। कुछ 5 तरह के अलाउंसेस प्रोवाइड होते हैं जो कंपलसरी है, नेसेसरी है, अवॉइड नहीं कर पाएंगे इसको, क्लियर। चलिए, पहला जो अलाउंसेस है वो है श्रिंकेज और कॉन्ट्रैक्शन अलाउंसेस, यानी जो धातु सिकुड़ जाती है वो। उसके बाद सेकंड है दूसरा मशीनिंग अलाउंसेस, रफ सरफेस को थोड़ा मशीनिंग करके निकाल के सरफेस फिनिशिंग करेंगे, उसके लिए जो अलाउंसेस प्रोवाइड होते हैं फॉर द मशीनिंग पर्पस। ड्राफ्ट और टेपर अलाउंसेस, थोड़ा पैटर्न को कॉनिकल शेप दिया जाता है फॉर द ईजी रिमूवल, सबको डिटेल में डिस्कस करेंगे, अभी की फिलहाल के लिए सिर्फ नाम याद कर लीजिए, ड्राफ्ट और टेपर अलाउंसेस। डिस्टोर्शंस अलाउंसेस, टूटने के चांसेस रहते हैं इसके लिए दिए जाने वाले अलाउंसेस। रैपिंग और सेक अलाउंसेस, जब मेटल रेडी हो जाएगा, वर्कपीस रेडी हो जाएगा तो उसको रिमूव करने के लिए, प्लास को ब्रेक करने के लिए रैपिंग और सेक अलाउंसेस प्रोवाइड होते हैं, थोड़ा हिलजुल जाता है इसके लिए, ठीक है। तो कुछ 5 अलाउंसेस दिए जाते हैं, मेरे साथ सबको बोलना है, श्रिंकेज और कॉन्ट्रैक्शन अलाउंसेस, मशीनिंग अलाउंसेस,
ड्राफ्ट और टेपर अलाउंसेस, डिस्टोरेशन अलाउंसेस, डिस्टोर्शन अलाउंसेस, रैपिंग एंड शेक अलाउंसेस। क्लियर? अब सबको वन बाय वन डिस्कस करेंगे और आपको भी खास क्लास नोट बनानी है और उसमें मैं जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट दे रहा हूँ, जो मैं इम्पोर्टेंट चीज़ बोल रहा हूँ उसको लिखना है। चलिए, पहला है श्रिंकेज और कॉन्ट्रैक्शन अलाउंसेस। ऑलमोस्ट ऑल द मेटल यूज्ड इन द कास्टिंग वर्क श्रिंक और कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरिंग कूलिंग फ्रॉम पोरिंग टेम्परेचर टू रूम टेम्परेचर। ये कॉमन प्रॉपर्टी है कि जब जब आप मेटल को पिघलते हो, उसको गर्म करते हो, तो उसके अंदर श्रिंक और कॉन्ट्रैक्शन, मतलब जब गर्म होगा तो वो फैलेगा यानी एक्सटेंड होगा, और जब ठंडा होगा, कूलिंग करोगे रूम टेम्परेचर पे, तब वो थोड़ा सिकुड़ेगा, उसका कॉन्ट्रैक्शन होगा। ठीक है, तो इसके लिए कुछ अलाउंसेस प्रोवाइड होते हैं, कुछ डायमेंशन में आपको प्लस और माइनस करके अलाउंसेस प्रोवाइड होते हैं। जैसे 20 mm का पार्ट्स बनाना है तो प्लस और माइनस आपको 0.01 mm, 0.02 mm या फिर 0.1 mm जितने अलाउंसेस प्रोवाइड होते हैं। दैट मीन्स अगर 20 mm है और प्लस और माइनस 0.1 mm का अलाउंसेस होगा, तो आप 20.01 तक बना सकते हैं या फिर 90.99 तक भी पार्ट्स को बना सकते हैं। इट इज़ ऑलमोस्ट नियरर टू 20 mm। क्लियर? तो ऐसे जो अलाउंसेस है, जो गर्म होके श्रिंकेजिस होता है और ठंडा होके कॉन्ट्रैक्शन होता है, उसके लिए दिए जाते हैं फॉर कास्टिंग पर्पस। तो वो है दिस कॉन्ट्रैक्शन टेक प्लेस इन थ्री फॉर्म्स। जो कॉन्ट्रैक्शन होता है सिकुड़ना, वो कुछ तीन प्रकार से होता है। लिक्विड कॉन्ट्रैक्शन, जब धातु पिघल जाती है, तो पिघलने के बाद जब वो ठंडी होती है, तो ठंडे होने में भी अलग अलग टेम्परेचर पे उसका कूलिंग होता है, उसका जो कूलिंग रेट होता है, तो लिक्विड कॉन्ट्रैक्शन होता है। फिर जब पूरा सॉलिडिफिकेशन हो जाता है, पूरा धातु अगर सॉलिड हो जाता है, तो कास्टिंग में क्या होता है कि धातु आपको वर्कपीस ऐसा लगेगा कि बाहर से अभी सॉलिड हो चुका है, तो इसको निकाल लेते हैं। ठीक है, जब आप निकालने जाओगे तो टूट जाएगा और नीचे अंदर से ब्रेक होकर लिक्विड बाहर आएगा। तो आपको खास ध्यान रखना है, इसको सफिशियंट टाइम प्रोवाइड करते हैं। बाहर से तो सरफस तुरंत 1-2 मिनट में आपको पता चल जाएगा कि अभी धातु सूख चुकी है, शेप आ चुका है, लेकिन अभी भी अंदर लिक्विड स्टेट डेवलप है। तो सॉलिडिफाई कॉन्ट्रैक्शन है ना, जब जब लिक्विड से वो कन्वर्ट होकर सॉलिड में कन्वर्ट होता है, तो वापस उसके अंदर संकोचन यानी वो सिकुड़ता है, और लास्ट में जब पूरा 100% सॉलिडिफिकेशन हो जाएगा, तो लास्ट में वापस एक बार उसका क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा। तो टोटल 3 स्टेज में उसके कॉन्ट्रैक्शन होते हैं, यानी वो सिकुड़ता है लिक्विड स्टेट। फिर जो इंटरमीडिएट स्टेट होता है लिक्विड और सॉलिड का, तब वो वापस सिकुड़ता है, उसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन होता है, और लास्ट में 100% सॉलिडिफिकेशन हो जाता है, तब वापस उसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन होता है। क्लियर? टू कॉम्पनसेट लिक्विड एंड सॉलिडिफाई कॉन्ट्रैक्शन, गेट्स एंड राइजर्स आर प्रोवाइडेड इन द मोल्ड, वेयर एज फॉर सॉलिड कॉन्ट्रैक्शन एडिक्वेट अलाउंसेस आर प्रोवाइडेड ऑन द पैटर्न। अगर लिक्विड और सॉलिडिफाइंग के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होता है, तो उस टाइम पे उसको कॉम्पनसेट करने के लिए गेट्स एंड राइजर्स प्रोवाइड होते हैं। ये बहुत ही अलग कंसेप्ट है, जब इसका पूरा सेटअप देखेंगे तब मैं आपको वापस याद करवाऊंगा व्हाट इज़ गेट एंड व्हाट इज़ राइजर, स्पर क्या है, पूरा कास्टिंग का सेटअप है। इसके अंदर ये वर्ड्स आपको यूज़ करने पड़ेंगे, वहाँ पे आएंगे तब मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा कि गेट्स और राइजर का पर्पस क्या है, क्यों उसको वहाँ पे स्टेबलाइज किया है। ठीक है, तो इतना याद रखिए कि जो पहले है लिक्विड और इंटरमीडिएट स्टेट के अंदर जो कॉम्पनसेट होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है, उसको भरपाई कॉम्पनसेट करने के लिए कास्टिंग के अंदर एक अरेंजमेंट होती है, जिसको गेट्स एंड राइजर बोला जाता है। और जब पूरा कॉम्पोनेंट ठंडा होकर सॉलिडिफाई हो जाता है, तो उस कॉन्ट्रैक्शन को कॉम्पनसेट करने के लिए बाहर से कैलकुलेशन के अंदर एडिक्वेट अलाउंसेस आर प्रोवाइडेड, है ना, कुछ नेसेसरी डायमेंशनल अलाउंसेस प्रोवाइड होते हैं। द डिफरेंट मेटल श्रिंकेज एट डिफरेंट रेट, हर एक धातु, चाहे वो कॉपर हो, एल्यूमिनियम हो, लोहा हो, ठीक है, गोल्ड हो, सिल्वर हो, कोई भी हो,
कितनी भी धातु क्यों ना हो, कोई भी धातु क्यों ना हो, सबका अपना गर्म होके और ठंडा होके श्रिंकेज यानी सिकुड़ने का रेट अलग अलग होता है। ओके, और वो किसके ऊपर डिपेंडेंट होता है, तो धातु या फिर मेटल कितनी प्योर है, ठीक है, और उसके अंदर दूसरी कौन सी प्रॉपर्टियाँ है, तो उसकी जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज होती है उसके अकॉर्डिंगली उसका श्रिंक यानी सिकुड़ने का जो रेट होता है वो अलग अलग होता है। ओके, इसके लिए अलग अलग मेटल से कास्टिंग होने वाले कंपोनेंट के अंदर अलग अलग श्रिंकेज अलाउंसेज प्रोवाइड होते हैं। सेम डिज़ाइन सेम साइज का कंपोनेंट अगर आप कॉपर से बनाओगे तो उसका श्रिंकेज अलाउंसेज अलग होगा, और वही सेम कंपोनेंट अगर आप लोखन यानी आयन से बनाओगे Fe तो उसका श्रिंकेज अलाउंसेज कुछ अलग होगा। द श्रिंकेज ऑफ मेटल डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग फैक्टर। मेटल जो गर्म होकर सिकुड़ती है उसका जो श्रिंकेज होता है वो किस फैक्टर के ऊपर डिपेंडेंट करता है, तो पहला है द मेटल टू बी कास्ट, कौन सी धातु को आप कास्टिंग करना चाहते हो। बहुत सारी धातु अपने पास अवेलेबल है, मेटल्स अवेलेबल है, तो उसमें से आप कौन सी मेटल यूज़ करने वाले हो कास्टिंग के लिए उसके ऊपर डिपेंडेंट होगा। पोरिंग टेम्परेचर ऑफ द मोटल मेटल, मतलब आप धातु को पिघाल के पिघालने के बाद भी कितने टेम्परेचर पर गर्म करने के बाद उसको मोल के अंदर एंटर करवाते हो उस टेम्परेचर ऊपर डिपेंडेंट है। डायमेंशन ऑफ द कास्टिंग, आप जो कंपोनेंट बनाने वाले हो उसका ओवरऑल डायमेंशन क्या है, साइज क्या है, शेप क्या है, उसके ऊपर डिपेंडेंट है। मेथड ऑफ मोल्डिंग, हैंड मोल्डिंग करने वाले हो, मशीन मोल्डिंग करने वाले हो, तो मोल्डिंग की जो मेथड है उसके ऊपर भी डिपेंडेंट है। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं यहाँ पर हमको, देखिए श्रिंकेज अलाउंसेज फॉर डिफरेंट मेटल। आपको ये पूरा टेबल याद नहीं रखना है क्योंकि हमारे पास तो टोटल 200 से 250 से भी ऊपर मेटल्स अवेलेबल है। ठीक है, तो सबका श्रिंकेज अलाउंसेज हम याद नहीं रख सकते। ठीक है, आप जब कास्टिंग के अंदर जॉब करोगे तो वहाँ पे आपको मैनुअल दे देंगे, एक डिज़ाइन डेटा बुक जैसा मैनुअल आता है जिसके अंदर आपको कास्टिंग अलाउंसेज विथ रेफरेंस टू मेटल पूरा टेबल दिया गया होगा। लेकिन फिलहाल के लिए आपको कुछ 3 से 4, मैं तो चाहता हूँ मैक्सिमम आपको 5 मेटल के श्रिंकेज अलाउंसेस याद रहे। ठीक है, तो देखिए मेटल कौन से दिए गए हैं, ग्रे कास्ट आयन है, स्टील है, एल्यूमिनियम है, ब्रॉन्ज है, ब्रास है और मैग्नीशियम है। ठीक है, इन लोगों ने क्या किया, टेक्स्ट बुक वालों ने ज़्यादातर जो कॉम्पोनेंट कास्टिंग से बनते हैं, मतलब इन जनरली रूटीन में कास्टिंग के अंदर जो मटेरियल यूज़ होता है नॉर्मली हर रोज़, उसके ही आपको एग्जांपल दिए ताकि आपको इंटरव्यू में एग्ज़ाम में थोड़ा इजी हो जाए। तो अगर आप ग्रे कास्ट आयन यूज़ करके कास्टिंग कर रहे हो तो अगर आपका पूरा कंपोनेंट के अगर आप ओवरऑल डायमेंशन मेजर करोगे तो वो मीटर में होंगे। ठीक है, तो आपको जो ओवरऑल डायमेंशन होते हैं ना कॉम्पोनेंट के वो कंसिडर करने हैं इन यूनिट ऑफ द मीटर, और एक मीटर के अंदर आपको कुछ mm तक ही क्या होगा श्रिंकेज अलाउंसेज प्रोवाइड होगा। तो ग्रे कास्ट आयन के अंदर आपको अलाउंसेज प्रोवाइड होते हैं 6.95 to 10.4 पर mm पर मीटर, यानी अगर आपका कंपोनेंट एक मीटर के साइज का है तो एक मीटर के अंदर आपको कितने अलाउंसेज प्रोवाइड हो गए, 6.95 to 10.4 mm। एक मीटर के अंदर इतने mm के अलाउंसेस प्रोवाइड होते हैं। वैसे अगर आप स्टील यूज़ कर रहे हो तो 20.8 mm पर मीटर अलाउंसेस प्रोवाइड होंगे, एल्यूमिनियम का कास्टिंग कर रहे हो तो 16.5 mm पर मीटर, दिख रहा है ना यहाँ पे यूनिट mm पर मीटर। ब्रॉन्ज यूज़ कर रहे हो तो 10.5 to 21 mm पर मीटर। ब्रास यूज़ कर रहे हो तो 15.4 mm पर मीटर, और मैग्नीशियम यूज़ कर रहे हो तो 16.5 mm पर मीटर। तो ये मेटल के अकॉर्डिंगली ओवरऑल डायमेंशन कंसिडर करने हैं जो मीटर में होंगे, और पर मीटर यानी एक मीटर के ऊपर आपको कुछ इतने mm के श्रिंकेज अलाउंसेस अलाउ है, मतलब इतना आप चेंज कर सकते हो कम ज़्यादा।
ठीक है, लेकिन ये टेबल है उसको फॉलो करना है, अपने आप 1 mm 2 mm 5 mm 6 mm नहीं डाल देना है, ठीक है। अगर अपने आप कैलकुलेशन करके डालोगे तो कंपोनेंट बिगड़ जाएगा, नुकसान होगा, पैसा आपका कटेगा। तो कुछ 1, 2, 3, 4, 5, 6 मटेरियल के श्रिंकेज अलाउंसेस आपको मिले हैं, यूनिट है mm पर मीटर, यानी 1 मीटर के ऊपर आपको इतने mm के अलाउंसेस रखने हैं। क्लियर? देखिए हर बार ऐसा होता है, आपको लगेगा कि भाई मैंने तो परफेक्ट डायमेंशन दी है, और फिर कास्टिंग होके जब कंपोनेंट बाहर निकलेगा और आप उसका इंस्पेक्शन करोगे तो पता चलेगा कि सब जगह से लेंथ, वेट, हाइट सब जगह से मेज़र किया तो हर जगह से ये 1-1, 2-2 mm या फिर 0.5-0.5 mm कम आ रहा है। कम क्यों आ रहा है? गलती किससे हुई? गलती आपसे नहीं हुई, आपने तो परफेक्ट ही काम किया, लेकिन आप ये भूल गए थे कि भाई धातु अपने आप उसका श्रिंकेज और कॉन्ट्रैक्शन होता है, ठीक है, वो आप भूल गए थे, इसकी वजह से आपसे गलती हो गई। तो नेक्स्ट टाइम आप क्या करेंगे, जब भी पैटर्न बनाएंगे तो इसके अंदर ये अलाउंसेस प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, जितना कॉम्पनसेट हो रहा है उससे थोड़ा ज़्यादा, और अगर ज़्यादा बन रहा है तो उससे थोड़ा कम, ऐसे पैटर्न के ऊपर अलाउंसेस प्रोवाइड करके परफेक्ट कास्टिंग कॉम्पोनेंट बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। बाकी के अलाउंसेस हम लोग देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। याद कर लीजिए 6 मेटल के श्रिंकेज अलाउंसेस, ठीक है, 4-4, 5-5 बार बोलिए, ऐसा हो तो 10 बार लिख लीजिए, याद रह जाएगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाकी अलाउंसेस को बाद में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।